हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कल का वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं ये भी आशा करता हूंगा कि आप लोग अच्छे से समय बिताए होंगे क्योंकि हम लोग लॉकडाउन हैं। चलिए, इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, कल हमने ये देखा था कि अंग्रेजी से डर कैसे भगाएं। कल इसमें हम बहुत सारे चर्चा किए थे आप लोगों के बीच में और कुछ अभिवादन के वर्ड भी बताए थे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे, गुड नाइट, इन सबों की चर्चा हम किए थे। दोस्तों, क्या आप ये पता नहीं होगा आप लोगों को कि सिर्फ वर्ड मीनिंग, ग्रामर पढ़ लेने से आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। इंग्लिश बोलने के लिए सभी चीज़ की ज़रूरत होती है, उनमें से कुछ पॉइंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग उस पॉइंट को बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और कल के वीडियो में कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किए, जिसमें आशीष झा मुझे बेस्ट ऑफ लक के थैंक यू, और सनातन कुमार काफ़ी एक्साइटेड दिखे, वो बहुत सारे कमेंट करके बोले कि नेक्स्ट वीडियो कब डाल रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आप उसके लिए निश्चिंत रहिए और ये स्पोकन बैच कंटिन्यू चलती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा। हाँ दोस्तों, मुझे पिछले वीडियो में अच्छा रिस्पांस लगा क्योंकि वो पहला वीडियो था, व्यू भी अच्छी हुई, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे हो गए और आप लोगों का ये प्यार अच्छा लगा। और आप लोग को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं उसमें लाइक और डिसलाइक दो सिंबल है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दबाइएगा और नहीं अच्छा लगे डिसलाइक लगाइएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा डिसलाइक से कि मुझे और बेहतर करना है। तो आप लोगों को ये कम से कम वीडियो देखते के साथ ही कर देना है, ओके? तो चलिए, आज हम लोग कुछ नया करते हैं और कुछ नया जानते हैं, कैसे अंग्रेजी हम बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो दोस्तों, कुछ बात को मैं बताऊंगा, उसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, हम बोलते कब हैं? कोई भी चीज़ जब मेरी, अभी जो मैं बोल रहा हूं, कब बोलते हैं? कभी इसके बारे में थिंकिंग किया? यानी व्हेन डू वी स्पीक, हम लोग कब बोलते हैं, यानी हम लोग स्पीकिंग कब करते हैं? हम लोग स्पीकिंग यानी कब करते हैं, इसके बारे में आप लोग कभी सोचा है? नहीं ना? तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ हम लोग स्पीकिंग कब करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति तभी बोलता है जब उसको दो चीज़ मिलता है। अगर दो चीज़ नहीं मिल जाए तो वो दो चीज़ है क्या? व्हाट इज टू थिंग्स, वह दो चीज़ है क्या? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा वो दो चीज़ हैं। पहला देखिए, आइडिया, और दूसरा है अपॉर्चुनिटी। वो दो चीज़ है, पहला है आपका आइडिया, दूसरा है अपॉर्चुनिटी। देखिए, इसको अपॉर्चुनिटी हमने पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी पढ़ेंगे, इसका सही उच्चारण है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नहीं पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी पढ़ेंगे। चलिए, कम टू द पॉइंट। आदमी देखिए, आइडिया मीन्स होता है विचार, या और चीज में हम बोल सकते हैं किसी में आइडिया होना, यानी उसमें अनुभव होना, ठीक है? अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, यदि आप हिंदी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको हिंदी में आइडिया है।
अगर आपके पास हिंदी का आइडिया नहीं रहता तो आप नहीं बोल पाते। जैसे हम अभी हिंदी बोल रहे हैं, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, हम हिंदी जो बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी में मुझे आइडिया है। सिर्फ आइडिया रहने से ही व्यक्ति नहीं बोल सकता है, ये बात भी फिक्स है। आपके पास आइडिया बहुत है और अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, अवसर। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है? अवसर। और अवसर आपके पास मिल ही नहीं रहा तो भी आप नहीं बोल सकते हो। जैसे देखिए, मैं इस लॉकडाउन में घर में हूँ, मेरे पास आइडिया है लेकिन अवसर नहीं मिल रहा था, तो मैं चुपचाप घर में बैठा था। तब मुझे ये लगा कि चलिए मैं अवसर खुद ढूंढता हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँच गया। तो ये जो यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँचा तो ये क्या हो गया? अवसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश में आपके पास आइडिया भी नहीं है, अवसर तो मिल जाती है आप लोगों को, लेकिन इंग्लिश में आइडिया नहीं होने के कारण आप क्या करते हो? नहीं बोल पाते हो, राइट? तो दोस्तों मैं यहाँ आपको जो उपस्थित हुआ हूँ, इंग्लिश का आइडिया देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको मैं इंग्लिश में बहुत सारे आइडिया दूंगा, तो अवसर आपको खून ढूंढना है। और जब अवसर मिले तो उस अवसर को आप छोड़िएगा मत, उस अवसर में का पूरा फायदा उठाना है आपको। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या सीखें? कोई भी आदमी को बोलने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक होती है आइडिया और दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों ये दोनों मिल जाने से ही भाषा क्या हम बोल सकते हैं, अच्छी भाषा बोल सकते हैं? क्वेश्चन मन में अब ये उठ रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा नहीं। आपको अच्छी भाषा बोलने के लिए चार चीज की आवश्यकता होगी। आपको अच्छी भाषा बोलने के लिए चार चीज की आवश्यकता होगी। वो चार चीज क्या है? आपके पास ही है, मैं देने वाला भी नहीं हूँ। वो चार चीज क्या है तो गौर से देखिए। कोई भी भाषा बोलने में सबसे बड़ा योगदान होता है आई का। सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? आई का। ठीक है, उसके बाद फेस का। आई के बाद फेस होता है, फेस के बाद बॉडी का, अब बॉडी के बाद माउथ का। माउथ। तो दोस्तों मैंने भाषा को बोलने के लिए, देखिए यहां चार चीज का यूज करने के लिए मैंने आपको बोला। अगर इस चार चीज को आप प्रयोग नहीं कर पाओगे तो भाषा नहीं बोल पाओगे। जैसे देखिए, आई, आई मीन्स आंख। जब भी आप किसी से बात करें या किसी के सामने प्रेजेंटेशन करें या आपके सामने बहुत सारे ऑडियंस हो, तो पहले उस ऑडियंस को से आई कांटेक्ट कीजिए। आई कांटेक्ट मतलब उनमें से आंख में आंख मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कैमरा की तरफ चेहरा ना करके ऐसे खड़ा होके आपसे बात करूँ तो भाषा आपको अच्छी नहीं लगेगी और वीडियो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप किसी के सामने अपना परफॉर्मेंस करें या अपना कोई बात रखें तो आई कांटेक्ट करें उनसे, जिनके सामने अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो आई का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो जब हम इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश से बोलने से पहले जो मेरे सामने है, चाहे मैं स्पीच दे रहा हूँ या मैं किन्हीं इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं उनके सामने आई कांटेक्ट करूँगा। तो देखिए, आई कांटेक्ट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने का पहला स्टेप है। दूसरा है, देखिए हम लिखें यहाँ फेस। भाषा में फेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे देखिए, मैं गुस्सा कर रहा हूँ
तो आपके चेहरा पर गुस्सा होना चाहिए। अगर आप किसी को बोल रहे हैं शट अप और हंस रहे हैं तो उस शट अप का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। जब आप किसी के सामने जैसी लैंग्वेज यानी जैसी एक्सप्रेशन का आप क्या करें यूज करें, जैसी आपकी भावना लैंग्वेज में हो वैसा ही फेस का एक्सप्रेशन करिए, यानी अपना मुखाकृति उस तरफ बनाइए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिनेंस, मुखाकृति। अगर आप नहीं बनाइएगा तो आपका भाषा उसी समय अच्छी नहीं होगी। इसलिए भाषा बोलते समय फेस का बहुत बड़ा योगदान है। आपको कोई हीरो का बात काफ़ी अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि उसके बोलने के ढंग में देखिएगा कि उसका फेस ग्लो करता है। जब वो बोलता है तो लगता है कि हाँ रियली में बोल रहा है। आप में भी ये सभी गुण हैं, यू हैव ऑल मेरिट ऑफ यू, बट आप करना नहीं चाहते, आप ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते। तो दोस्तों आपका फेस का बहुत महत्व है। जब भी आप इंग्लिश बोलें तो आप अपना फेस का एक्सप्रेशन हाव हाव कंटिन्यूस उस तरह दें। अब देखिए तीसरा मैंने क्या कहा, बॉडी। बॉडी मीन्स शरीर। देखिए बोलने में इस बॉडी का भी योगदान है। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ तो देखिएगा मेरा ये जो हाथ पैर मुंह सब चल रहा है, ठीक है? तो हिंदी बोलते समय ये हाथ पैर अपने आप चलने लगता है, बट जब आप इंग्लिश बोलते हो हाथ साइलेंट मुंह साइलेंट और सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हो, जैसे आप पीटी के ट्रेनिंग में खड़े हो। तो जब आप ऐसे खड़े हो जाओगे तो आपका स्पीच या आपका बोलना अच्छा होगा ही नहीं। जब आप बोलो तो आपका बॉडी चलना चाहिए भाषा के साथ, ऐसे नहीं कि दौड़ना शुरू कर दो, दौड़ने से भाषा कंप्लीट नहीं होगी। जैसे देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उनका स्पीच घंटों चलता है फिर भी लोग उबते नहीं हैं, क्योंकि उनका बॉडी एक्सप्रेशन देखिए, जब वो बोलते हैं ना तो लगता है कि आदमी उनसे जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हाथ पैर चेहरा सभी उस भाषा से लगता है कनेक्ट हो गया है, जुड़ गया है। तो आप भी जब भी बोलिए इंग्लिश तो उस भाषा के साथ अपनी बॉडी को जोड़ने की क्या करिए कोशिश करिए। जब ये तीनों चीज आई फेस बॉडी आपको भाषा से साथ जुड़ जाए तब आप अपने माउथ का यूज करिए, माउथ मीन्स मुंह। उस मुंह से तब आवाज निकालिए, वॉइस। मुंह से क्या निकलता है? वॉइस, आवाज। यानी तब आप लैंग्वेज का यूज करिए यानी भाषा का प्रयोग करिए, तो देखिएगा आपका जो स्पीच है आपका जो भाषा बोलने का जो ढंग है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, जिससे आपके जो ऑडियंस होते हैं सुनने वाले होते हैं आपसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो आपको बोलते समय ये चार चीज को आज से ख्याल रखना है। अगर आप नहीं इस चारों चीज पर मेहनत करेंगे, कुछ दिन लगेगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमें पता है कि आपको वीडियो मेरी जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाती है तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि इस तरह हम करें कि हम भाषा को अच्छी तरह से कह दें। तो दोस्तों ये हुआ कि भाषा बोलते समय हम अपने शरीर को आँख को चेहरा को मुंह को कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है? ये तो प्रथम गुण आप में आ ही जाना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं क्या, आपको भाषा सही नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इतना ही कर लेने से आपकी इंग्लिश आप फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। अब इसके लिए कोई भी भाषा बोलने के लिए दो चीज़ की और आवश्यकता होती है। जब मुंह से आवाज़ निकालते हैं तो उस आवाज़ के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी लैंग्वेज बोलने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है। वो क्या है दो चीज़? देखिए पहला आपको स्ट्रक्चर मीन्स संरचना।
यानी भाषा की संरचना आपको पता होना चाहिए। हिंदी हम क्यों बोल रहे हैं? हिंदी हम इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि हमें हिंदी का स्ट्रक्चर जब हम जन्म लेते हैं उसी से मुझे मिलना शुरू हो जाता है। बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई हैव नॉट, हमें इंग्लिश का स्ट्रक्चर बचपन से नहीं प्राप्त हो पाता है जिसके कारण हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर उपलब्ध कराऊँगा और आपको उस स्ट्रक्चर पर मेहनत करना है, बोलना है। यानी जैसे कोई भाषा बोलने के लिए हमें स्ट्रक्चर की काफ़ी ज़रूरत होती है। और दूसरा है प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना और प्रोनंसिएशन मीन्स उच्चारण। तो दोस्तों, जब तक आपका प्रोनंसिएशन अच्छी नहीं होगी तो भी आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। जब प्रोनंसिएशन की चर्चा हुई तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक स्कूल में इंग्लिश के टीचर थे और वो स्टूडेंट के बीच बोले कि बच्चों, कल आप क्या करिए, कोई भी वर्ड लेके आइए और मैं उसका हिंदी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उस क्लास के जो लास्ट बेंच में बैठे वाले एक विद्यार्थी थे तो बोला, सर मैं भी लाऊंगा तो आप सुना दी उसका हिंदी बता दीजिएगा। शिक्षक इंग्लिश वाले बोले, ऑफकोर्स हम बता देंगे। तो बच्चा खुशी खुशी घर गया और कल वापस आया और पिछला बेंच से सबसे बड़ा हाथ खड़ा किया और हाथ खड़ा करते के साथ ही सर को बोलता, पहले मेरा हिंदी बता कर तो दिखाइए। तो सर ने बोली, ठीक है, आज बड़ी खुशी की बात है, तुम बहुत मेहनत करके आए हो वर्ड में। तो बच्चे ने कहा, सर मुझे नटूरे का हिंदी बताइए। अब टीचर सोच में पड़ गए, माथा हंसने लगे और वो सोचने लगे नटूरे क्या होता है। अब सर का हालत खराब हो गया क्योंकि आज तक वो नटूरे सुने ही नहीं, ठीक है। अब सर बोले कि ठीक है, कल मैं बता दूंगा। वो बहुत सारी डिक्शनरी ढूंढे, नटूरे कहीं नहीं मिला। बच्चा जब उन्हें रास्ता में मिलता था तब बोलते थे, सर आप हिंदी नहीं बताए। अब सर परेशान हो गए। कुछ दिनों के बाद जब सर को सभी तरह से हिम्मत हार गए तब उस बच्चे से बोले, तुम मुझे नटूरे का स्पेलिंग बताओ। तो बच्चा ने नटूरे का स्पेलिंग क्या बताया, देखिए, NATURE। सर को गुस्सा चढ़ा, दो थप्पड़ दिए उनको, बोले तू नेचर का नटूरे पढ़ रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ इस कहानी कहने का मतलब क्या है कि आप सही प्रोनंसिएशन नहीं करोगे तो उसका सही अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई वर्ड पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप जरूर उस वर्ड को लिखिए, मैं उसका उच्चारण कर दूंगा, ठीक है।